गुड मॉर्निंग क्लास 5A। आज हम लोग नया पाठ पढ़ेंगे, पाठ 12, चिड़िया का दाना। अच्छा, देखते हैं इसमें क्या है पाठ में। प्राचीन काल में कहानियों द्वारा ही लोग अपने बच्चों को विभिन्न देशों और लोक संस्कृतियों का ज्ञान देते थे। इन कहानियों में उस समय की परिस्थितियों और अनुभवों का वर्णन मिलता है। एक लोक कथा इस प्रकार है। अब कथा मतलब कहानी। पहले के ज़माने में बेटा ज़्यादा पढ़ाई लिखाई, सारे लोग तो स्कूल वगैरह नहीं जाते थे, तो बच्चों को घर में ही शिक्षा किसके द्वारा दी गई, कहानियों के द्वारा, छोटी छोटी कविताओं के द्वारा। तो आप ये बताया कैसी कहानी है, ये देखो पढ़ा जा रहा है, देखना अपनी बुक निकाल लो और साथ साथ देखते चलो। एक दिन प्रातः एक चिड़िया दाना चुगने निकली। खेत में उसे मटर का एक दाना पड़ा मिला। वह उसे उठा लाई और बहुत खुश हो गई। उसने सोचा कि डट कर भोजन करेगी, मगर फिर उसके मन में आया कि भोजन करने के पहले नहा लूं। वह नहाने के लिए नदी की ओर उड़ चली, मगर समस्या यह थी कि मटर के दाने को कहीं छुपाए, इसे ज़मीन पर छोड़ दे तो चींटियां खा जाएंगी या कोई और पक्षी ले उड़ेगा। उसने मटर के दाने को पुल की मेड़ पर रख दिया और उसकी मरम्मत कर रहे एक बढ़ई ने कहा, भैया ज़रा इसे देखते रहना। देखो अब क्या है, कोई मजदूर था वहाँ पे, एक चिड़िया को एक दाना मिला और क्या हुआ, चिड़िया वो दाना लेके उसने कहा, खुश हो गई कि एक अच्छा बड़ा दाना मटर का मिल गया, अब इसको खाऊंगी। फिर उसने सोचा कि खाने से पहले मैं क्या करूँ, ज़रा नहा लूँ। नहाने के लिए उसको पानी के पास जाना था, तो वो उसने सोचा चलो नदी के पास चलते हैं। और अगर उसने सोचा मैं इस दाने को साथ में तो लेके उड़ नहीं सकती हूँ, तो इसको कहीं रख दूँगी तो क्या करेगा, कोई भी चींटियाँ खा जाएंगी या कोई पक्षी ले उड़ेगा। तो उसने क्या कर, मटर के दाने को क्या किया, पुल की मेड़ के पास रख दिया। और वहाँ पे जो मज़दूर काम कर रहा था, देखो इसमें दिख रहा है ना, चिड़िया मटर का दाना, यहाँ पे मज़दूर काम कर रहा था, उससे कह दिया भैया ज़रा इसे देखते रहना। अब आगे पढ़ें। चिड़िया ने नदी से लौट कर बढ़ई से पूछा, तो वह बोला, मैं तुम्हारा नौकर थोड़े हूँ, मुझे तो सरकार से वेतन मिलता है, तुम्हारा मटर का दाना गिर गया होगा। अब ये जवाब दिया चिड़िया बहुत निराश हुई। उसे लगा कि दूसरे पक्षी भी अपने घोंसले से निकल चुके होंगे और उन्होंने उस दाने को खा लिया होगा। वह सोच ही रही थी कि एक सिपाही उधर से निकला। वह उसके पास गई और बोली, सिपाही जी, एक गरीब चिड़िया की मदद कीजिए, मेरा मटर का दाना कहीं गुम गया है। वह बढ़ई पुल के मरम्मत कर रहा था, मैंने उससे कहा कि दाने का ध्यान रखे, लेकिन उसने या तो दाना चुरा लिया है, अन्यथा वह कहीं गिर गया है। देखो आगे पढ़ते हैं, अच्छी है ना। सिपाही बोला, ए घमंडी चिड़िया, तेरी यह मजाल कि मुझे जाते हुए रोके, कानून और शांति बनाए रखना है, उसी की मुझे तनख्वाह मिलती है, तुम मरो या जियो, मुझे इससे क्या। चिड़िया को डांट पड़ी तो वह डर गई। तभी उधर से एक थानेदार निकला, उसने उसे रोका और सारी कहानी बताकर बड़ा कहा, थानेदार जी, क्या आप मुझ गरीब की सहायता नहीं करोगे। थानेदार धाड़ा, तुम्हारी यह हिम्मत कि मुझे रोक रही हो, जानती हो मंत्री जी दौरे पर आ रहे हैं और मुझे सारा बंदोबस्त करना है, उन्होंने मेरे काम को पसंद ना किया तो मेरी तरक्की कैसे होगी। तुम्हारा मटर का दाना खो गया है तो मुझे
मुझे क्या क्या कहकर थानेदार भी चल दिया। चिड़िया सोचने लगी, यह कैसा देश है जहाँ लोग इतने स्वार्थी हैं कि किसी और की समस्या की ज़रा भी चिंता नहीं करते। यह सोच ही रही थी कि उधर कि उसे घोड़े की पर सवार मंत्री आता दिखाई दिया। उसने उसे रोका और बोला, मंत्री जी, क्या आप मुझ गरीब पर दया नहीं करेंगे? मेरा मटर का दाना गुम हो गया है और इधर से जितने भी सरकारी कर्मचारी निकले हैं मेरी सहायता करने से इनकार कर रहे हैं। मंत्री बोला, मैं तुम्हारी सहायता तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। राजा इधर आएंगे तो उनका स्वागत मुझे ही करना है। यह कहकर मंत्री भी वहाँ से घिसक लिया। चिड़िया को इस बात की बात से खुशी हुई कि किसी ने उसे भला मानस तक से भल मन साहत से तो की मतलब उसने किसी ने अच्छा जवाब पॉजिटिव जवाब तो दिया, सही जवाब तो दिया, अच्छी तरह से बात तो करी, भले मानस की अभी आगे देखेंगे से बात तो की। वह सोच ही रही थी कि इतने में स्वयं राजा हाथी पर सवार होकर उधर से निकला। चिड़िया ने उसे रोका और बोली, राजा जी, आप तो इस देश के मालिक हैं, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी कि एक छोटी सी चिड़िया ऐसी धृष्टता करे। वह तो अपनी प्रजा को दर्शन देने जा रहा था और चिड़िया उससे रोक रही थी। उसने चिड़िया की किसी बात का उत्तर नहीं दिया। राजा का अंगरक्षक चिल्लाया, हट जाओ, और राजा का हाथी चल दिया। अब चिड़िया को विश्वास हो गया कि कुछ नहीं हो सकता। वह सोचने लगी कि राजा से बड़ा कौन है। ऐसे क्रूर राजा के रहते मैं अपना मटर का दाना छोड़कर नहाने क्यों गई? सोचती हुई निराश बैठी थी कि उसने देखा एक चींटी जा रही है। उसने जाकर चींटी को सारी कहानी बताई। चींटी बोली, बहन, मैं अभी जाती हूँ। चींटी हाथी के पास गई और उसके कान में कुछ बोला। तूने सुना ही होगा चिड़िया ने राजा से क्या कहा। मैं चाहती हूँ कि तुम राजा को चिड़िया की सहायता करने पर मजबूर करो, नहीं तो मैं तुम्हारी सूंड में काट लूँगी। हाथी ने यह धमकी सुनी तो राजा से बोला, आप चिड़िया की बात सुन लीजिए, नहीं तो वह मुझे काट लेगी। उसने मुझे काटा तो मैं आपको गिरा दूँगा। तब हो सकता है आपकी हड्डी पसली टूट जाए या आप गिरकर मर जाएं। राजा अब अचंभे में पड़ गया, मगर उसके सामने और कोई चारा नहीं था। उसने तुरंत मंत्री को बुलाया और कहा, वह चिड़िया की बात सुन ले। मंत्री ने थानेदार के पास गया और बोला, शांति बनाए रखना तुम्हारा काम है। क्या तुम नहीं जानते कि कोई बढ़ई तुम्हारे सिपाही ने चिड़िया के साथ क्या किया और तुमने भी को उसकी कोई मदद नहीं की? जल्दी से कुछ करो, नहीं तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। थानेदार सिपाही के पास गया और उसे डांटा। सिपाही ने बढ़ई की गर्दन नापी। बढ़ई गया और जाकर मटर का दाना ढूंढ लाया। अब चिड़िया ने खूब छक कर भोजन किया। बच्चों, ये कहानी हमने पढ़ी है और आपने सुनी भी है। इसको बच्चों एक बार और पढ़ना है ना, और बच्चों इसको एक बार पढ़ के इसमें जो भी हार्ड वर्ड तुम्हें लगे उस पर निशान लगा के उसको लिखना। हार्ड वर्ड को, कठिन शब्दों को अपने कॉपी में पूरे लेसन के
हार्ड वर्ड्स को आप लिखेंगे, आगे का लेसन हम बाद में पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा बच्चों? आप क्या करना है, आपको ये लेसन को दोबारा पढ़ना है और हार्ड वर्ड लिखना है, ठीक है? समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? कोई भी बात फिर से अगर नहीं समझ में आता है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू।